भगवान मुस्कुराते हुए जा रहे हैं और भगवान इतना सुंदर स्वरूप ही है प्रभु का कि देख करके सब मुदित हो जाते हैं कि तेरी मन्नी मन्नी मुस्कानिया पी बलिहार श्यामी जी बलिहार श्यामी जी भगवान कृष्ण पर बलिहारी हो गए। नागिनियों ने बताते हुए भगवान श्याम सुंदर को देखा, कहने लगी कहां से आए हो? बोले नागिनिया मेरी गेंद गिर गई अभी कालीदेह में और मुझे हमारी गेंद चाहिए। बोले पागल हो गए हो, कहां से आए हो, क्यों? अरे मेरे पति सो रहे हैं, अगर कहीं जग गए तो तुझे कच्चा खा जाए। कन्हैया बोले जा, तू अपने पहले पति को जगा दे, मैं तेरे पति को देख लूं। हम यादव बंसी लेकर बंसी यही बजाएंगे और मेरी गेंद होगी पाताल लोक, फिर भी मैं ढूंढ के जाएंगे। और जानते हैं पति की धौंस क्या देती है? अरे ते जगा तनिक अपने पति को, मुझे बात उसी से करना है और जब मरने को हम आए हैं तो मरने से क्या डरना है? अरे जब हम मरने के लिए आए हैं तो क्या डर है? जगाओ अपने पति को, मैं बात करने आया। बोली इतने हिम्मत वाले हो तो जगा लो। कन्हैया ने यूं कर पूछ पे लात रखी, एकदम मिसल दिया, एकदम फुसकारी भरता हुआ फू फू कालिया जाग गया। कन्हैया के शरीर में फिंदा डाल लिए, फुसकारी मारने लगा, मुंह से झांझे टूट रही, लपटें ज्वाला की निकल रही। कन्हैया ने देखा अपनी माया से इतना गर्म शरीर किया, इतना गर्म किया कि यमुना का पानी खोलने लगा। कालिया ना उस माया से जो शरीर में फिंदा डाले था एकदम घबरा कर दूर हो गया, शरीर तपने लगा। भगवान कन्हैया ने देखा जैसे दूर हुआ कालिया, झटके से नथुनी पिचका दी, वो नागनाथ ने नाथ लिया। बोलिए नागनाथ भगवान की। नाग को नाथा, आके नागनियों ने क्षमा मांगी, प्रार्थना की, चलो क्षमा कर दो भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। काली दे के पुष्प दिए, गेंद ढूंढ के दिए और फिर कन्हैया मधुर मुरली बजाते हुए शेषनाग के फन पर विराजमान होकर के आज ऊपर की ओर आते हैं। कि फिर शेषनाग के फन पे मेरो नाचे रे समरिया,
31 तारीख से दादा मनकापुर में कथा है, आ जाओ करियो। आइए मेरे भैया, श्री सुखदेव जी ने कहा है कि जब भगवान कन्हैया कालिया नाम को नाद करके रमणक द्वीप के लिए भेज दिया, उसके फन पर पैरों के निशान कर दिए कि अब गरुड़ से जो तुम्हारा बैर था, अब गरुड़ कुछ नहीं बोलेगा। तो भगवान कृष्ण जब रमणक द्वीप के लिए उस कालिया को भेज दिया, कृष्ण घर आए, कालिया को नाद करके काली दे के पुष्प कमल के कंस को भेजवा दिए। इधर एक दिन भगवान कन्हैया गैया चराने के लिए गए वृंदावन में। तो वृंदावन में भगवान श्याम ने गैया चराते चराते देखा, गैया चराते चराते देखा है भगवान कान्हा ने, और जानते हो कि भागवत दरबार में बड़ा आनंद बरसता है।